अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, थोड़े से लोग या ज़्यादा सारे लोग जो भी हैं, सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो आज क्या ला रहे हैं हम? आज ही हम लेकर आए नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नई सीरीज कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रिकल ड्रामा एक ना उन्होंने बनाया है जो कि रिलीज हो चुका है, गैस या होने वाला है 1-2 दिन में। उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। उसका ट्रेलर जो है, बेसिकली दैट इज़ दिस बिब्लिकल रेप्लिकेशन, या जो बाइबल के अंदर हज़रत मूसा की स्टोरी बताई गई है, उस स्टोरी को उन्होंने रिक्रिएट किया है इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा कह लें, मूवी कह लें, जो भी कह लें। तो वो एक डॉक्यूमेंट्रिकल ड्रामा टाइप उन्होंने बनाया है। उसका नाम है टेस्टमेंट। तो उसका ट्रेलर है, तो लेट्स सी के कैसा है, हमें क्या क्या चीज़ें उसके अंदर से नज़र आती हैं। ऑल दो हम सब जानते हैं हज़रत मूसा की स्टोरी क्या थी, किस तरह से थी, तो अब हमने सिर्फ देखना ये होता है या इस तरह की मूवीज़ के अंदर कि जो हमारा जो हमें टीच किया गया बचपन से लेकर आज तक, उस स्टोरी में और इस स्टोरी में कितनी चीज़ों का डिफरेंस है। जैसे हम आप लोग भी जानते होंगे, हम लोगों ने भी देखा है, हज़रत नूह के ऊपर बन चुकी है मूवी, इसी तरह हज़रत यूसुफ की पूरी स्टोरी लाइन जो है वो बनी है, 10 कमांडमेंट्स बन चुकी है, ठीक है, मैसेज बन चुकी है। ये सारी जो हमारे रिलीजियस मूवीज़ हैं वो बनती हैं, सो इनके सॉर्ट ऑफ रिलीजियस, एक इवन बिलाल, हज़रत बिलाल जो हैं जिनकी वजह से अजान जो हम देते थे, जो पहले मौजिन थे इस्लाम के, उनके ऊपर भी बन चुकी है। तो लेट्स सी कि ये जो है बनाई है, इसके अंदर क्या है, कैसे है, और उसके जो है ट्रेलर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। Quran. Shadow of a man. Surrounded by darkness. Someone approaches, my lady. A stranger. Yet he knows your heart. My son has returned. It's Moses. This is Moses. God has commanded him to lead us out of bondage. Let my people go. Your people. You appear before me without loyalty or gratitude to those who gave you everything. I am not the man for this task. So much of the Judeo-Christian religion rides on Moses. He's a founding father. He's special. He's God's chosen prophet. You have disturbed the order of my kingdom. You will never give those people their freedom. Let them feel our displeasure. What is going to happen now? Death. The power you wield is great. Spare your people. Spare yourself the pain that will come next. Let us go! Everything about his life speaks to us to this day. What it takes to get free is different than what it takes to stay free. We cannot continue down this path. If I yield to the God of the Hebrews, the foundations crumble. We will disappear. You were warned. He is the giver of life. And a taker. I have chosen you. Moses. March 27 लो जी, दैट हैज़ बीन रिलीज्ड। तो क्या ख्याल है जी आपका? बहुत अच्छी थी, और वो जो एंड में उन्होंने दिखाया पानी वाला, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे पड़ा हुआ पहले। हाँ ना, असल में ये सारी चीज़ें हमने इतनी सुनी है कि हमारे सामने सुनकर वो जैसे विजुअलाइजेशंस वो क्रिएट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी तरह आ रही होती हैं। तो उन चीज़ों को विजुअली देखना इन इटसेल्फ के जो आपकी इमेजिनेशन है उसको विजुअली वो कितना अपील या उसके करीब तर बनती है। और पहले भी एक हमने वीडियो बनाई थी, या वीडियो में आपने कहा था कि बच्चों को ये भी चीज़ें दिखानी चाहिए। बिल्कुल, बच्चा उतना पढ़ने से नहीं सीखता जितना वो देखने से सीखता। बिल्कुल ऐसा ही, तो उससे देखा जाए, इसके अंदर ज़रूर इन्फ्लुएंस होगा ज्यूस का भी, जो क्योंकि जाहिर है ये स्टोरी तो उनसे रेलिवेंट है ना ज़्यादा, तो दे आर पावरफुल आल्सो दीज डेज, तो वो जो सारा इसके ऊपर होता है कंट्रोल, या उसको जो लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस और उन चीज़ों को बयान ज़्यादा उससे किया होगा। बट लेट्स सी कि हम लोग इसको ज़रूर, एटलीस्ट मैं तो देखूँगा,
देखूंगा और देन उसके अंदर वो कंपैरिजन होगा ज़रूर कि जी क्या क्या चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर उसके साथ मैच करती हैं. अगर से 90% 80% भी मैच करती है तो इट्स वर्थ वॉचिंग. और पहले भी आ चुकी हैं इस तरह की कुछ एनिमेटेड सीरीज़ भी आई हैं, ये भी इसी तरह की आई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है. लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में उन्होंने बनाई हुई क्योंकि इसके अंदर 2-3 लोग भी उन्होंने दिखाए हैं जो जैसे जो प्रोफेसर या इस तरह के लोग जिनके ऊपर या जिनकी कमांड होती है सब्जेक्ट के ऊपर उनके बारे में या उनका एंगल. तो एक रबाई भी दिखाया था, रबाई होते हैं जो यहूदी जैसे हमारे मौलवी हजरात होते हैं तो उनके जो होते हैं प्रीचर्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं रबाइज. तो रबाई भी दिखाए हैं तो वो लेट सी के उसके अंदर क्या निकलता है. तो ये था हमारा आज का फाइंड आप लोगों के लिए. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी. अगर नहीं आई तो भी क्या कर सकते हैं, माजरत ही कर सकते हैं. 27 मार्च को आ गई है ये, हम भी देखेंगे और आप भी देखें. तो इजाज़त लें इसके साथ, ले लें चीज़ें ले लें इसके साथ ही. दें हमें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.